दोस्तों देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। झज्जर के गांव मरोद में आज सुबह एक परिवार में उस समय मातम छा गया जब परिवार के सामने ही देखते ही देखते एक मासूम पड़ोस की के घर में बने पानी के टैंक में जागदा। घर वालों ने जब तक उस मासूम को निकालने की कोशिश की तब तक मासूम दुनिया छोड़ चुका था। अपने हाथों में 2 साल के मासूम का शव देखकर परिवार के लोगों को किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अफसोस मासूम दुनिया छोड़कर जा चुका था। मासूम की मौत के बाद परिवार पूरी तरह के सदमे में गए। बेटे का शव परिजन झज्जर सामान्य अस्पताल में लेकर आए, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। तनिष पुत्र अमन जो आज सुबह अपने घर के पास खेल रहा था, सामने के घर में ही पानी का टैंक बना हुआ था। खेल खेल में मासूम पानी के टैंक में जा गिरा। खैर, तनिष के पानी में डूबने की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि गांव मारोत में एक 2 साल के बच्चे की डेथ हो गई और ये झज्जर में एडमिट है। जी, ये झज्जर में आके बच्चे की डेड बॉडी को प्राप्त किया गया और पोस्टमार्टम के लिए मौसम रखवा गया है। परिजन आ गए। क्या कारण है बच्चे का? ये बच्चे ये बता रहे हैं कि भाई पड़ोस में एक पोत था, उसके अंदर पानी में डूब के इसकी मौत हुई है। बाकी कार्रवाई जारी है, क्या पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कोई आरोप तो नहीं लगा रहे किसी नहीं और किसी आरोप कोई आरोप नहीं लगा रहे। इस हादसे से हम आपको भी सावधान करते हैं। अगर आपके घर में पानी का टैंक बना हुआ है तो उसके ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा देना चाहिए, ताकि आपके व आपके पड़ोसी के बच्चे सुरक्षित रह सके। झज्जर से एएनटी नेशनल के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अब आपका एएनटी नेशनल आ गया है नए अंदाज में। खबर वही जो हो सही।